दोस्तों अगर बात की जाए मार्केटिंग की, तो किसी भी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एड्स का सहारा लिया जाता है, जो कि काफी कॉस्टली पड़ता है। दोस्तों क्या ये जो आप बिल्कुल फ्री में अपना मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, तो यही वजह है कि आज की ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मेबी यू विल गेट समथिंग न्यू टुडे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आमिर मरूफ और आप देख रहे हैं एमएम टेक। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फेसबुक के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अपने तमाम फ्रेंड्स को एक क्लिक से कैसे मैसेजेस भेज सकते हैं आप। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों सबसे पहले आपसे बात करता चलूं, अगर बात की जाए अपना मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने या अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो सबसे पहले जो चीज आती है वो है एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजमेंट, जिस पे आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग इज दैट बल्क मैसेजेस, जिसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनेगी। सोशल प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अपना मैसेज आप तमाम दोस्तों को भेज सकें। फेसबुक के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अपने तमाम फ्रेंड्स को मैसेजेस करना, एक-एक को मैसेज करना आपका काफी टाइम ले सकता है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप एक क्लिक से अपने तमाम फ्रेंड्स को कैसे मैसेजेस कर सकते हैं, अपना कोई भी पैगाम अपने तमाम फ्रेंड्स को कोई भी मैसेज एक क्लिक के साथ भेजेंगे। सबसे पहले आपको वेब ब्राउजर क्रोम के लिए एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जिसका नाम है फेसबुक सोशल टूलकिट। अगर आपको ये नहीं पता कि इंस्टॉल कैसे होगी, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे दे देता हूँ एंड वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं ये एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल होगी। दोस्तों एक्सटेंशन बाद में फेसबुक सोशल टूलकिट के लोगो पे क्लिक करें एंड देन उसके बाद एक नई विंडो ओपन होगी। यहाँ पे हमें नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे ढूंढना है सेंड मैसेज टू योर फ्रेंड, यहाँ पे क्लिक कर दें। सेंड मैसेज टू योर फ्रेंड पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी, जहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आप अपना मैसेज टाइप करें जो आप अपने फ्रेंड्स को भेजना चाहते हैं। मैंने पहले से अपने पास लिख के रखा हुआ है, इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पे जो आपको ये लाइन नजर आ रही है, दो मैसेजेस के दरमियान का जो ड्यूरेशन होगा सेंडिंग, कितने टाइम बाद आपको अपना मैसेज भेजना चाहते हैं, वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सेलेक्ट टाइम ड्यूरेशन बिटवीन सेंडिंग रिक्वेस्ट इन सेकेंड। दोस्तों इसका मकसद ये है कि आप जब भी कोई बूट यूज़ करते हुए मैसेजेस भेजते हैं या लाइक्स वगैरह के लिए बूट यूज़ करते हैं, तो फेसबुक आपके अकाउंट को डिसेबल कर देता है। उस टाइम जो है इन सेकंड आपको सेट करना पड़ेगा, 7 सेकंड जो है वो सेट कर सकते हैं। देयर इज अ लिमिट टू नंबर ऑफ रिक्वेस्ट टू यू कैन सेंड टू फेसबुक एपीआई सर्वर, डोंट सेंड मैसेजेस टू मोर देन 30 फ्रेंड्स एट ए टाइम। दोस्तों ये नीचे क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये सिंपली यही कह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 फ्रेंड को एक साथ में मैसेज भेजें, उससे ज़्यादा भेजेंगे तो ये रिस्क है आपका अकाउंट डिसेबल हो सकता है। मैं यहाँ पे 30 फ्रेंड जो हैं उनको सिलेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों 30 फ्रेंड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको वापस ऊपर जाना है एंड यहाँ पे सेंड मैसेजेस पे क्लिक कर देना है। फिर आपको याद रखना चलूँ कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो कैरेक्टर की लिमिट है वो 240 है। यहाँ से मैं कुछ टेक्स्ट को डिलीट करूँगा अभी, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, स्टार्ट सेंडिंग मैसेज पे क्लिक करूंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरे मैसेजेस जो हैं वो सेंड होना शुरू हो गए हैं। दोस्तों एक बार फिर मैं आपको याद दिलाता चलूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको यहाँ पे इस चैनल पे डेली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज मिलती रहेंगी। हर 7 सेकंड के बाद मैसेज जो है ऑटोमेटिक सेंड हो रहा है। यहाँ पे वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड करूंगा। कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि मैसेज सेंडिंग कंप्लीट। चलिए दोस्तों मैं अब आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूँ, ये मैसेज सेंड हुए कि नहीं। मैं एक नई विंडो ओपन करता हूँ, फेसबुक को ओपन करता हूँ, फेसबुक मैसेंजर को ओपन करता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं टाइम आप इसका देख सकते हैं एंड एक ही मैसेज जो मेरे तकरीबन तमाम फ्रेंड्स को जितने भी मैंने सेलेक्ट किए थे उनको सेंड हुआ है। तो दोस्तों इस टूल की मदद से आप अपने फ्रेंड्स को मैसेज भेज सकते हैं, पहले 30 को भेजें, उसके बाद आप चाहें तो 30 से ज़्यादा भी सेट कर सकते हैं, लेकिन ये आपका अपना रिस्क होगा कि आपका अकाउंट डिसेबल भी हो सकता है टेम्प्रेरी या परमानेंट। दोस्तों ये कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप अपना मैसेज को तमाम अपने फेसबुक फ्रेंड को सेंड कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही है, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा,
एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।